जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको नरसिंह जयंती की कथा सुना रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार नरसिंह जयंती का व्रत करने से ब्रह्म हत्या का दोष खत्म हो जाता है। जो भी व्यक्ति नरसिंह जयंती का व्रत रखता है वह सांसारिक सुखों को भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसके अलावा जो मनुष्य नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करता है वह 7 जन्मों तक पापों से मुक्त हो जाता है और अपार धन संपत्ति का मालिक होता है। जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक नरसिंह जयंती की आत्मकथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन मध्याह्नकाल में जो भी व्यक्ति क्षमता अनुसार व्रत का अनुष्ठान करता है और लीलावती देवी के साथ हरित मुनि और भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करता है उस व्यक्ति को सनातन मोक्ष मिलता है। दान देने के पश्चात सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करने के बाद पारण करना चाहिए। भगवान नरसिंह का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब नरसिंह अवतार का वर्णन सुनते हैं, जिसमें नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध किया था। राजन, प्राचीन काल में देवताओं का शत्रु हिरण्यकश्यपु समस्त दैत्यों का राजा था। वह बलवान तो था ही, उसे अपने बल का घमंड भी बहुत था। वह तीनों लोकों के लिए कंठक रूप हो रहा था। पराक्रमी हिरण्यकश्यपु धीर और बलवान था, दैत्य कुल का आदि पुरुष वही था। राजन, उसने वन में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। 11,500 वर्षों तक पूर्वोक्त तपस्या के हेतु भूत जप और उपवास में संलग्न रहने से वह ठूंठे काठ के समान अविचल और दृढ़ता पूर्वक मौन व्रत का पालन करने वाला हो गया। निष्पाप नरेश, उसके इतंद्रिय संयम मनोनिग्रह ब्रह्मचर्य तपस्या तथा शौच संतोष आदि नियमों के पालन से ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भूपाल, तदंतर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा हंस जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं वहां पधारे। उनके साथ आदित्य, वसु, सात्य, मरुदगण, देवतागण, रुद्रगण, विश्वदेव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशा, विदिशा, नदी, समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त, अन्यान आकाशचारी ग्रह, तपस्वी देवर्षि, सिद्ध सप्तऋषि, पुण्यात्मा राजर्षि, गंधर्व तथा अप्सराएं भी थीं। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकश्यप को बोला, सर्वश्रेष्ठ, मुझे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच कोई भी ना मार सके। लोक पितामह तपस्वी ऋषि महर्षि कुपित होकर मुझे साप भी ना दे, यही वर मैंने मांगा है। ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना पर्वत से, ना वृक्ष से, ना सूखे से, ना गीले से और ना दूसरे ही किसी आयुध से मेरा वध हो। पितामह, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना रात में, ना दिन में तथा ना बाहर और भीतर ही मेरा वध हो सके। पशु या मृग, पक्षी अथवा सरीसृप, सर्प, बिच्छू आदि से भी मेरी मृत्यु न हो। देवदेव, यदि आप वर दे रहे हैं तो मैं इन्हीं वरों को लेना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दे दिया। बस इसमें संशय नहीं कि संपूर्ण कामनाओं सहित इन मनोवांछित वरों को तुम अवश्य प्राप्त कर लोगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से चले गए और ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। तदंतर देवता, नाग, गंधर्व और मुनि उस वरदान का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। देवता बोले, इस वर के प्रभाव से वह असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः आप प्रसन्न होइए और उसके वध का कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि स्रष्टा, स्वयंभू, सर्वव्यापी, हव्य कव्य से निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप हैं। भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर,
देवताओं का यह लोक हितकारी वचन सुनकर दिव्य शक्ति संपन्न भगवान प्रजापति ने उन सब देवगणों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होना ही चाहिए था। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी तब भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु नारायण ही उसका वध करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार उसके वध की बात सुनकर सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने दिव्य धाम को चले गए। दैत्य हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का वर पाते ही समस्त प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा। वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। वह दैत्यों का राजा होकर राज्य भोगने लगा। झुंड के झुंड दैत्य उसे घेरे रहते थे। उसने सातों द्वीपों को और अनेक लोक लोकांतरों को बलपूर्वक अपने बस में कर लिया था। उस महान असुर ने तीनों लोकों में रहने वाले समस्त देवताओं को जीतकर संपूर्ण दिव्य लोकों और वहां के दिव्य भोगों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह दैत्य स्वर्ग लोक में निवास करने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त हो दानव हिरण्यकश्यप देवलोक का निवासी बन बैठा। तदंतर वह महान असुर अन्य समस्त लोकों को जीतकर वह सोचने लगा कि मैं ही इंद्र बन जाऊं। चंद्रमा, अग्नि, वायु, सूर्य, जल, आकाश, नक्षत्र, दसों दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, वसुगण, अर्मा, धन देने वाले धनाध्यक्ष, यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी, ये सब मैं ही बन जाऊं। ऐसा सोचकर उसने स्वयं ही बलपूर्वक उन सबके पदों पर अधिकार जमा लिया। उनके स्थान ग्रहण करके उन सबके कार्य स्वयं खुद ही करने लगा और देखने लगा। उत्तम देवर्षिगण श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा जिन देवताओं का यजन करते रहते थे उन सबके स्थान पर वह स्वयं ही यज्ञ का भाग लेने लगा और सभी यज्ञों का अधिकारी बन बैठा। नरक में पड़े हुए सब जीवों को वहां से निकालकर उसने स्वर्ग का निवासी बना दिया। बलवान दैत्यराज ने ये सब कार्य करके मुनियों के आश्रम पर धावा किया और कठोर व्रत का पालन करने वाले सत्य धर्म परायण एवं जितेंद्रिय महाभाग मुनियों को सताना आरंभ कर दिया था। उसने दैत्यों को यज्ञ का अधिकारी बनाया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया था। जहां जहां देवता जाते थे वह वहां वहां उन सब का पीछा करता था। देवताओं के सारे स्थान हड़प कर वह स्वयं ही त्रिलोकी के राज्य का पालन करने लगा। उस दुरात्मा के राज करते 5,61,60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने वर्षों तक दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने दिव्य भोगों और ऐश्वर्यों का उपभोग किया। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप के द्वारा अत्यंत पीड़ित हो इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर खेदग्रस्त होकर हाथ जोड़कर कहने लगे। देवताओं ने कहा, भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी भगवान पितामह, हम यहाँ आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब हमें उस दैत्य से दिन रात घोर भय की प्राप्ति होती रहती है। भगवान, आप संपूर्ण भूतों के आदि स्पृष्टा, स्वयंभू, सर्वव्यापी, हव्य कव्यों के निर्माता, अव्यक्त प्रकृति एवं नियत स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, सुनो, ऐसी विपत्ति को समझना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है। अंतर्यामी भगवान नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे विश्व रूप महातेजस्वी, अव्यक्त स्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी तथा संपूर्ण भूतों के लिए अचिंत्य हैं। संकट काल में मेरे और तुम्हारे वे ही परम गति हैं। भगवान नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु अव्यक्त से परे हैं और मेरा आविर्भाव अव्यक्त से हुआ है। मुझसे समस्त प्रजा, संपूर्ण लोग तथा देवता और असुर भी उत्पन्न हुए हैं। देवताओं, जैसे मैं तुम लोगों का जनक हूँ, उसी प्रकार भगवान नारायण मेरे जनक हैं। मैं सबका पितामह हूँ और वे भगवान विष्णु प्रपितामह हैं। देवताओं, इस हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वे विष्णु ही संहार करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः सब लोग उन्हीं की शरण में जाओ। अब तुम कुछ भी विलम्ब ना करो। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, पितामह ब्रह्मा का यह वचन सुनकर सब देवता उनके साथ ही
खीर समुद्र के तट पर चले गए। आदित्य, मरुदगण, साध्य, विश्व देव, वसु, रुद्र, महर्षि, सुंदर रूप वाले अश्विनी कुमार तथा अन्यायन जो दिव्य योनि के पुरुष हैं, वे सब अर्थात अपने गणों सहित समस्त देवता चतुर्मुख ब्रह्मा जी को आगे करके श्वेत द्वीप में उपस्थित हुए। खीर सागर के तट पर पहुंचकर सब देवता अनंत नामक शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले अनंत एवं उदित तेज से प्रकाशमान उन शरणागत वत्सल सनातन देवता श्री हरि विष्णु के सम्मुख उपस्थित हुए जो सबके सनातन परम गति हैं। वे प्रभु देव स्वरूप वेदमय यज्ञ रूप ब्राह्मणों को देवता मानने वाले महान बल और पराक्रम के आश्रय भूत वर्तमान और भविष्य रूप सर्व समर्थ विश्व वंदित सर्वव्यापी दिव्य शक्ति संपन्न तथा शरणागत रक्षक हैं। वे सब देवता उन्हीं भगवान नारायण की शरण में गए। देवता बोले, हे देवेश्वर, आज आप हिरण्यकश्यपु का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। सर्वश्रेष्ठ आप ही हमारी और ब्रह्मा आदि के भी पालन पोषण करने वाले परमेश्वर हैं। खिले हुए कमल दल के समान नेत्रों वाले नारायण आप शत्रु पक्ष को वह प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, आज आप दैत्यों का विनाश करने के लिए उदत हो हमारे शरणदाता हो जाइए। भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, देवताओं की यह बात सुनकर पवित्र कीर्ति वाले भगवान विष्णु ने उस समय संपूर्ण भूतों से अदृश्य रहकर बोलना आरंभ किया। श्री भगवान नारायण बोले, हे देवताओं, वह छोड़ दो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। देवगण, तुम लोग अविलंब स्वर्गलोक में जाओ और पहले की ही भांति वहाँ निर्भय होकर राज्य करो। मैं वरदान पाकर घमंड में भरे हुए दानव राज हिरण्यकश्यपु को, जो देवेश्वरों के लिए भी अवध हो रहा है, सेवकों सहित अभी मार डालता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हे प्रभु नारायण, ये देवता बहुत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को शीघ्र ही मार डालिए। उसकी मृत्यु का समय अब नजदीक आ चुका है, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा तथा देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का नाश करूंगा। अब तुम सब लोग अपने अपने दिव्य लोकों में जाओ। भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महर्षि कश्यप और अदिति के हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो पुत्र हुए थे। एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरणाक्ष का आतंक इतना बढ़ गया कि भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर उसका वध कर दिया था। वहीं हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ठानी और ब्रह्मा जी की हजारों वर्षों तक तपस्या की। भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यपु को यह वरदान दिया था। उसी वरदान के फलस्वरूप यह इतना उन्मत्त और महापराक्रमी हो गया था। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद हिरण्यकश्यपु निर्भीक हो गया और उसने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। उसने स्वर्ग लोक से देवताओं को निर्वासित कर दिया और तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया। भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपने राज में घोषणा की कि वह स्वयं भगवान है और उसके अलावा कोई किसी को नहीं पूजेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के जन्म के बाद उसकी भक्ति से भयभीत होने लगा, उसे मृत्युलोक पहुंचाने का प्रयास करने लगा। उसने अपनी बहन होलिका के जरिए भी प्रहलाद का वध कराना चाहा, लेकिन होलिका खुद ही जल गई। बहन की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन अपने पुत्र का वध करने की ठानी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तुम अपने भगवान विष्णु को बुलाओ। इस पर प्रहलाद ने कहा कि प्रभु सर्वत्र विद्यमान हैं और कण कण में समाये हुए हैं। इस पर प्रहलाद का उपहास उड़ाते हुए कहा कि इस स्तंभ में भी तुम्हारा विष्णु मौजूद है। तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इसमें भी वह विद्यमान है। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने स्तंभ पर अपनी तलवार से वार किया। वार करते ही स्तंभ को चीरकर भगवान विष्णु के अवतार नृसिंह प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बनाकर नरसिंह विग्रह धारण करके एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए बड़ा भयंकर रूप बना लिया। वे महातेजस्वी
नरसिंह मुंह बनाए हुए काल के समान जान पड़ते थे। राजन, तदंतर भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के पास गए। नरसिंह रूप धारी मावली भगवान श्री हरि को आया देख दैत्य ने कुपित होकर उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ की। उनके द्वारा चलाए हुए सभी शस्त्रों को भगवान खा गए, साथ ही उन्होंने उस युद्ध में कई हजार दैत्यों का संहार कर डाला। क्रोध में भरे हुए उन सभी महाबलवान दैत्यसरों का विनाश करके अत्यंत कुपित हो भगवान ने बलमोदमत दैत्यराज हिरण्यकश्यप पर धावा किया। भगवान नरसिंह की अंग कांति मेघों की घटा के समान श्याम थी। वे मेघों की गंभीर गर्जना के समान दहाड़ रहे थे। उनका उद्दीप्त तेज भी मेघों के ही समान शोभा पाता था और वे मेघों के ही समान महान वेगशाली थे। भगवान नरसिंह को आया देख देवताओं से द्वेष रखने वाला दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यप उनकी ओर दौड़ा। कुपित सिंह के समान पराक्रमी उस अत्यंत बलशाली दर्प युक्त एवं दैत्य गणों से सुरक्षित दैत्य को सामने आया देख महातेजस्वी भगवान नरसिंह ने नखों के तीखे अग्रभाग के द्वारा उस दैत्य के साथ घोर युद्ध किया। फिर संध्या काल आने पर बड़ी उतावली के साथ उसे पकड़कर वे राजभवन की दहली पर बैठ गए। तदंतर उन्होंने अपनी जांघों पर दैत्यराज को रखकर नखों से उसका वक्ष स्थल विदीर्ण कर डाला। सुरश्रेष्ठ श्रीहरि ने वरदान से घमंड में भरे हुए महावली महापराक्रमी दैत्यराज को बड़े वेग से मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप तथा उसके अनुयायी सब दैत्यों का संहार करके महातेजस्वी भगवान श्रीहरि ने देवताओं तथा प्रजाजनों का वह दूर किया और धर्म की स्थापना की। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तीनों देवता भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कराने पहुँचे, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। यहाँ तक साक्षात भगवान शिव सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन नरसिंह भगवान ने उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने एक विकराल वृषभ का रूप धारण कर लिया और नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। इतनी देर तक नरसिंह को जकड़कर रखा और नरसिंह ने अपनी सभी शक्तियों को इस्तेमाल किया, लेकिन स्वतंत्र होने में असमर्थ रही और शक्तिहीन हो गई। इसके बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। हे पांडुनंदन, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की स्थापना करके वे बड़े प्रसन्न हुए। हे पांडुनंदन, मैंने यह तुम्हें संक्षेप में नरसिंह अवतार की कथा सुनाई है। इसको श्रवण करने मात्र से भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। बोलो नरसिंह भगवान की जय।